तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे अब्दुल एक्सपेरिमेंट। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जो है 12 इंची स्पीकर, जो कि नॉर्मल स्पीकर है, ठीक है, इसको रिकॉन करेंगे। इंपोर्टेड ओनली, सारा कुछ इंपोर्टेड है, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको डस्ट वगैरह या मतलब जो भी है ग्लू वगैरह छुटाना है, जितना छूट सके उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। हम देख सकते हैं किस तरीके से क्लीन करते हैं, तो जितना हो सके उतना आपका ही फ़ायदा है, ठीक। और इस तरीके से आपको वॉइस कॉइल जो मैग्नेट का होल है उसको भी थोड़ा फिनिशिंग से करना है, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी डस्ट वगैरह है वो निकल आएगी, और हो सके तो आपके पास ब्लोअर वगैरह हो तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ब्लोअर, बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सामान हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। ये आप उनकी पेपर कोन है, जो कि मेरे को लाइव साउंड के लिए काफ़ी बढ़िया लगता है ये, तो यूज कर सकते हैं आप। कॉटन पेरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वन टाइट का यूज़ करेंगे, जो कि फास्ट एंड क्लीन है, 5 मिनट के अंदर 5 मिनट वाला वन टाइट है। और यहाँ पर जो हम जिक्स यूज़ कर सकते हैं, और जिक्स के सिवा और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, स्लोचंद, ओके। यहाँ पर स्पाइडर जो है जुपिटर का स्पाइडर है, 1 नंबर स्पाइडर है, यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अपने यहाँ पर मिल जाएगा, कॉल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी करिए, ओके। और आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर ये वॉइस कॉइल भाई 1 नंबर वॉइस कॉइल है, आप एक बार यूज करके देखिए, अगर जो लाइव साउंड यूज करता है। 55 नंबर की आपकी जो मतलब 55 में मैग्नेट है ना, तो आप ये लगाइए, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको डस्ट वगैरह इस तरीके से करना है, डस्ट वगैरह साफ़ करने के बाद आपकी जो वॉइस कॉइल है, सॉरी, तो इस तरीके से आपको छोड़ना है। अगर फिनिश मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जा रही है वॉइस कॉइल मैग्नेट में, तो समझ लीजिए आपका लगाना ठीक है। अगर हिलक रही है तो आप कचरा या फिर मैग्नेट का सेंटर आउट, तो सिंपली आपको करने क्या है, मेरे पास जिक्स अवेलेबल है तो मैं जिक्स का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको वायरिंग लेना है, वायरिंग सामने रखना है, ठीक है, टर्मिनल के सामने, और जिसको सिंपल रखना है थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत ही कम आपको ऊपर रखना है, मान सकते हैं आप करीब 10 तार ऊपर रखना है, करीब, हाँ 10 तार तो हो गई, अराउंड 8 से 10 वायर ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्लोज लुक भी दिखा दिया थोड़ा, और आप थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इस वॉइस कॉइल का। अगर आप ये वॉइस कॉइल अगर मेरे से लेते हैं तो मैं आपको जिक्स थोड़ा फ्री भी दे दूँगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितना क्वान्टिटीज़ वगैरह खरीदते हैं, कोई नहीं, आगे चलते हैं। और बाकी हम स्लोचन लगा लेते हैं साइड से स्पाइडर के लिए, ओके। तो यहाँ पर स्लोचन लगाते समय आपको ध्यान रखना है, ये वाला स्लोचन नॉर्मल यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर लगाना है अपना ये मतलब स्पाइडर पे, ठीक है। स्पाइडर पे लगाने के बाद ये सूखने के लिए रख दीजिए। अभी तो देख सकते हैं मैं इसको साइड में थोड़ा काटना भी है, वो थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना पेपर, और ये सब थोड़ा 19-20 हो सकता है पेपर वगैरह, तो आप थोड़ा सा क्या है कैची वगैरह से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपको देंगे 1 नंबर क्वालिटी वाला देंगे, ठीक है। इसको जितना सूखने के बाद लगाएंगे उतना बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगा आपको। और हालांकि सूख जो चिपकेगा ना भाई, वो 1 नंबर चिपकता है, ये नहीं है भाई, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हम लोग। और देख सकते हैं अभी तक हमारा ये चांस नहीं हुआ है कि स्पाइडर छूटा है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैची से थोड़ा इधर उधर काट लिया, तो वो आपको इतना क्वालिटी वाला लग नहीं रहा होगा, तो उसको इग्नोर मारते हुए भाई हमें तो क्वालिटी चाहिए। बाकी हम मशीन से आपको काट के भी दिखा देते, लेकिन हमने अभी नॉर्मल यहाँ पर इस तरीके से काट के दिखाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं, तो फिनिशिंग से बिल्कुल इसको चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद आप चाहें तो स्लोचन ऊपर से साइड से लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो लेयर है मोटी बन जाए, और जल्दी की जल्दी स्पाइडर छूटने के चांसेस 0% हो जाए, ओके। बाकी आगे चलते हैं, आगे हमें वाउंड टाइट का उपयोग करना है, तो क्योंकि हमारी वाउंड टाइट देखिए आपको उतने यूज करना है, एक अंजादा होना चाहिए आपको, अंजादा नहीं हो पा रहा, चलिए कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, एक अंजादा हो जाएगा ना आपको तो भाई मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंजादा हो गया, तो वाउंड टाइट आपको ही पता है 5 मिनट में ख़राब हो जाता है, तो वाउंड टाइट यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो उसी उतना ही अंजादा बनाइए कि आप, या तो इतनी स्पीड हो आपकी अंजादा, मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाऊंगा फिनिशिंग से, ओके। तो ज़्यादा देखिए, ज़्यादा आपका जो है स्पाइडर पे ना मतलब लगे, ओके। और कोशिश ये करिए स्पाइडर बिल्कुल फिट बैठा हो वॉइस कॉइल से, तभी मतलब इससे बनाए, वरना ये मैग्नेट में जाके चिपक जाता है स्पाइडर, आपका स्पीकर बिल्कुल 0 क्वालिटी देगा, आपको स्पीकर फाड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और बाकी बात कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पर स्पीकर को ऊपर से साइड करने की, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग से बिल्कुल सेट हो गया है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, फिनिशिंग से सेट हो गया। अब जो ग्लू बचा है अभी सूखा नहीं हमारा, ठीक है, और यहाँ पर वही ग्लू हम ऊपर साइड में लगाएंगे। ओके, देरी ना करते हुए वही ग्लू आपको जो वॉइस कॉइल दिख रहा है ना यहाँ पर आपको लगा देना है, ताकि आपका पेपर जो है ऊपर से ना छूटे। भाई देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं और कस्टमर का काम कर रहे हैं, चीज़ बना के तो एक नंबर। ये नहीं है तुम बॉन्डटाइट, मैंने बहुत मार्केटों में देखा है, इतना बचत करते हैं यार क्या, बिल्कुल कस्टमर बेचारा फिर अगले दिन ले चलाता है स्पीकर। भाई ये क्या हुआ, ज़्यादा कर चांसेस वॉइस कॉल छूटने के भी होते हैं, स्पाइडर छूटने के चांसेस मैंने देखे हैं जितने मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं। चलिए उनको इग्नोर मारते हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा किसी का पैसा ले रहे हैं तो काम बढ़िया करिए। अब हम यहाँ पर क्या है, गैसकेट लगा देते हैं, गैसकेट बोले तो रबड़ भी कह सकते हैं हम इसको, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है भाई, जो कहना चाहे वो कह सकता है, ठीक है। इसको भी सूखने के लिए 5 मिनट करीब दे दीजिए, बहुत बढ़िया चिपकेंगे आपके, बहुत एक नंबर अल्टीमेट क्वालिटी, ठीक है। बाकी देखिए, मैं मानता हूँ कि क्वालिटी आपकी पेपर कोन और स्पाइडर और वॉइस कॉइल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर नहीं मार सकते आप, बाकी रबड़ वगैरह हैं और इन चीज़ों को इग्नोर मार सकते हैं। वायरिंग और वायरिंग तार आप देखिए एक अच्छी क्वालिटी का यूज कीजिए, ताकि आपका वायरिंग तार ना टूटे। थोड़ा मैं क्लोज लुक दिखा देता हूँ कुछ, यहाँ पर हमारी फिनिशिंग देखिए किस तरीके से होती है, और मशीन से मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ आपको बना के, चलिए मैं किसी दिन मशीन से भी बना के दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं ग्लू मैंने वॉन्टाइट जो एवो लगाया है तो उसको एक्स्ट्रा लगाया है मैंने स्पाइडर के साइड में, ताकि वो सील्ड हो जाए। चलिए उसको इग्नोर मारते हुए आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से अपन लोग लगा देते हैं रबड़ कुछ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, ये मस्त एक नंबर। तो ये अपनी ठीक आगे की रबड़े लगाते हैं बस यहाँ पर मस्त तरीके से, ये वही हो गया अपना ये, ठीक है। बात कर लेते हैं ऐसे ही, मतलब सारी रबड़े लगाना है आपको। देखिए वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन यूजफुल वीडियो आपके लिए, मुझे पता है आधे लोग स्किप करके चले जाते हैं इसमें से, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है भाई कितने लोग स्किप करते हैं कितने नहीं। जिसको वीडियो की ज़रूरत है वो वीडियो मेरी देखेगा, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि हमारा यूजफुल कंटेंट है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादातर आपको नॉलेज वाली वीडियो देता हूँ, एक्सपेरिमेंट वाली। यहाँ पर 5 मिनट के बाद आप जिक्स को निकाल सकते हैं ईजिली दोनों तरफ से दबा के, और स्पीकर को अप डाउन करके देख लीजिए। अगर आपके वॉइस कॉइल कहीं भी टच नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आप पास हो गए, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लॉकिंग सिस्टम नहीं करेंगे, वायरिंग करते समय नॉर्मल सिस्टम करेंगे। 12 इंच का स्पीकर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, नॉर्मल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए तार पहले से काट लीजिए, कितना आपको वायर में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि काम चला हो गया काम, वो नहीं है। तो ध्यान में सब काम ध्यान में कीजिए, क्वालिटी दीजिए, काम भी कर रहे हो ना किसी का बना के दे रहा हो तो क्वालिटी दीजिए, कोई नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं दूसरा वायर भी। दूसरा वायर घुसने के बाद इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, सिंपल सिंपल बस हो गया अपना मस्त तरीके से। अब अपना आता है मेन रोल सोल्डरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम थोड़ा सा थोड़ा सा हम यहाँ पर पेस्ट लगाने के बाद आपको कर लेते हैं सोल्डरिंग। यहाँ पर थोड़ा बड़ा काइया का यूज़ करें तो भी बेटर है, बड़े मतलब सोल्डरिंग वगैरह में, ये मतलब बड़ी चीज़ों पे। तो छोटी चीज़ भाई देखिए हर काइया हर किसी चीज़ में यूज होता है, अगर ये काम कर रहे हैं तो छोटा बड़ा काइया दोनों ही रख लिए। इसका काम है तो सिंपली बड़ा ही काइया रखिए, छोटा का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस में, या तो प्लस माइनस देख लीजिए आप, कोई कोई बंदा वॉइस कॉइल का चेंजिंग कर देता है तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर टर्मिनल लगा रखे हैं अलग से, ताकि भाई वो सोल्डरिंग पोल्डरिंग का क्या झाड़ करूँ हर बार बार। तो ज़्यादातर जितने भी कस्टमर आते हैं मैं सोल्डरिंग का झाड़ हटा के टर्मिनल ही पेल देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को बढ़िया लगता है। तो भाई वीडियो में मेहनत लगी है भाई, यकीन मानो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कर दें।